पहाड़ों की रानी मसूरी की अलग ही पहचान है। उत्तराखंड आने वाला यात्री एक बार मसूरी जरूर घूमना चाहता है। देहरादून से मसूरी तक की सरपीली सड़कें और प्राकृतिक नजारे बरबसी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। पर्यटकों के सफर के रोमांच को और बढ़ाने के लिए देहरादून से मसूरी के बीच रोपवे बनाने का निर्णय लिया गया है। गणना की गई है कि इससे सफर मात्र 15 मिनट का होगा। पर्यटकों को रास्ते के जाम से भी मुक्ति मिलेगी। इसमें दो जगह स्टॉपेज और पार्किंग सुविधा की भी योजना बनी है। योजना पर सालों तक काम चला, बीते वर्ष इसे मंजूरी दे दी गई। तकरीबन 300 करोड़ रुपए से बनने वाली इस परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी तक तय कर दी गई। निर्माण कार्य शुरू होता तब तक पर्यावरण स्वीकृति और ITBP से अनुमति लेने के पेच योजना में फंस गए। फिलहाल पेच अब तक सुलझे नहीं है। प्रदेश सरकार ने साहसिक गतिविधियों से जुड़ी योजनाओं से युवाओं को रोजगार दिलाने का निर्णय लिया। वर्ष 2015 में इसके लिए एक स्वरोजगार योजना का खाका खींचा गया। नाम दिया गया मेरे युवा मेरे उत्तराखंड। योजना के अनुसार 14 से 45 वर्ष की उम्र के स्थानीय युवाओं को राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना था। पर्यटन विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली इस योजना के लिए हर वर्ष 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने पर मोहर लगी। कहा गया कि प्रशिक्षण के दौरान युवाओं के लिए आवास, भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी सरकार की तरफ से की जाएंगी। इस योजना पर जोर शोर से काम करने की बात भी कही गई। युवाओं के मन में भी इससे आशा की किरण चकी। कुछ समय तक पत्रावली भी चलाई गई मगर ये योजना अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को गति देने का सपना भी थोड़ा पूरा थोड़ा अधूरा है। इसके लिए प्रदेश में आई हर सरकार ने अपने स्तर से योजनाएं बनाई। ऐसी एक योजना थी ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना। इस योजना के अंतर्गत गांवों के पर्यटन विकास के साधन विकसित किए जाने थे। शुरुआती चरण में इसमें 38 गांवों का चयन किया गया। कहा गया कि देशी विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराने के साथ ही स्थानीय लोगों को पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की आस जगी। माना गया कि पर्यटकों को गांवों तक लाने से सरकार इसकी सूरत सुधारने का काम भी करेगी। अफसोस ये योजना ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। इसके स्थान पर होम स्टे योजना लाई गई। इस योजना से स्वरोजगार तो मिल गया लेकिन गांवों की सूरत संवारने का सरकार का सहयोग अभी भी अपेक्षित है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।